नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी परसों रेलवे मंत्री बने हैं। अश्विनी वैष्णव काफी समय से रेल मंत्री हैं, कई साल होने वाले हैं, और ट्रेन भी कई सौ सालों से चल रही है। पर लेकिन मैं देखो, पिछले कुछ दिनों की बात बताऊँ ना, मतलब पिछले 15-20 साल की बात करो तो आप इतने हाथ से सामने नहीं आए, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करो, आप पिछले 1 साल की बात करो ना, तो काफी सारे जो है ट्रेन एक्सीडेंट के मामले हमारे सामने आ चुके हैं। आज फिर एक ट्रेन एक्सीडेंट का मामला हमारे सामने आया। तो आप एक खबर देखिए जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में 18 जुलाई को जो एक बड़ा रेल हादसा हो गया। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए और हादसे में 2 यात्रियों की मौत और कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। तो ऐसी खबर अभी कुछ देर पहले ही सामने आई है, लगभग 1-1.5 घंटे पहले की खबर है। तो ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद जो है घायलों को जो है जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, जनपद गोंडा में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने और घायल को शीर्ष प्राथमिकता के साथ अस्पताल पहुँचाकर उन्हें समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना है। आप एक दो पोस्ट भी देखिए, बेहद दुखद घटना, एक और ट्रेन हादसा, गोंडा के नजदीक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 की मौत की सूचना, आखिर कब तक? केंद्रीय रेल मंत्री को तुरंत स्थिति पर दे देना चाहिए। बिग ब्रेकिंग, मोदी जी के लाडले केंद्रीय रेल मंत्री के जन्मदिन पर आज रेल दुर्घटना। उत्तर प्रदेश में ट्रेन दुर्घटना हुई है, गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, एसी कोच का बहुत बुरा हाल है। तो लगभग जो है 10 से 12 डिब्बे जो है पटरी से उतर गए थे, और इस तरह की खबर अभी सामने आ रही है। और देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अब कुछ थोड़ा यूनिक करना चाहिए, जो ये ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं जो एकदम बंद हो जाए भाई, ऐसा कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो चुका है। हालांकि देखिए, घटना बहुत दुखद है, जो घायल है जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अश्विनी वैष्णव देखिए, रेल के विकास के लिए तो काफ़ी कार्य कर रहे हैं, पर लेकिन उनको इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो ये हादसा हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।